कहाँ यही उतरना है? आ जाइए ला, ला, ला। आ गए ला, 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 ला। क्या ला। क्यों ना? कितनी दूर लेके आए हम? कितने दे रही हो पैसे? देखा तो तुम पैदल आ रहे थे, आज महिला दिवस है, ऐसे थोड़ी होता है। इतना सस्ता किराया थोड़ी है। लोगो 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 लो। हमें नहीं पैसे चाहिए, हम तुम्हें मिठाई खिला रहे आज होली है ना। ठीक है लो, ये होली है ना आज, होली लो, मिठाई लो, मिठाई लो, छोड़ी दे तुम्हारा, लो लो अपने हाथ से ले ले लो ले भाई, तुम भी लो अम्मा, नहीं अम्मा अपने हाथ से लो, अपने अरे रुको अपने हाथ से लो, ऐसे अपने पैसे लेते जाओ ना, ऐसे पैसे नहीं दिए। तो आप भी खुशी रहना अच्छे से, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो छोटे छोटे काम करने से मिलता है, बड़े काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। बुजुर्ग दंपत्ति थे जो पैदल आ रहे थे, आज होली का त्योहार है तो वाहन निकल नहीं रहे, चल नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उनकी मदद करें। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और होली का त्यौहार भी है, तो हमारे देश में जो नारियों के बारे में कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसी पे मैं कहता हूँ कि यत्र नार्यस्तु दबन्ते तत्र पुलिस बोलन्ते और यत्र नार्यस्तु पुनश्च दबन्ते तत्र डंडा चलन्ते। और मेरा जो मानना है कि नारी को इंग्लिश में बोलते हैं वुमेन, उसकी स्पेलिंग अगर उसको विच्छेद किया जाए तो WOMEN मतलब होता है। कुछ लोग जैसे अपनी अपनी मानसिकता है, कुछ लोग कहते हैं कि वीकनेस ऑफ मैन, मतलब आदमी का कमज़ोर पक्ष है, आपने भी सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं ये महिला है, मैं इसके कारण कमज़ोर हो जाता हूँ, नहीं तो बहुत कुछ कर लूँ। लेकिन मेरा मानना है कि वुमन का मतलब होता है विंग ऑफ मैन, आदमी के पंख है महिला। और मैं यही कहता हूँ कि पंछी हो या हेलीकॉप्टर, पंछी हो या हेलीकॉप्टर, पंखों से ही उड़ान भरते हैं और जिसके पीछे सशक्त महिला का हाथ होता है वही लोग महान बनते हैं। तो आज नारियों का सम्मान करने की ज़रूरत है और बेटियों को पढ़ाने की ज़रूरत है। बेटी पढ़ती है तो कहते हैं कि एक पूरा कुल, सात पुश्तें आने वाली शिक्षित होती हैं और आने वाले वक्त में रोज़गार भी मिलता है। तो महिला दिवस पर संकल्प लें कि बेटियों को बहनों को पढ़ाएंगे और एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। भारतीय नारी की खासियत होती है कि उसमें संस्कार कूट कूट कर भरे होते हैं, उसमें कोई ऐब नहीं होता। आपने कभी भी नारी को गांजा पीते हुए, तंबाकू मलते हुए, सिगरेट जलाते हुए, नशा करते हुए नहीं देखा होगा। और ऐसी संस्कारवान भारतीय नारी को मैं प्रणाम करता हूँ। पुरुष बड़ा होता है कि महिला? बताओ बराबरी होते हैं क्या? बराबरी होते हैं ना। हाँ। तो आप है? कुछ लोग महिला को कमजोर समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, क्यों? नहीं, बराबरी क्या होता है? बराबरी होते हैं ना। हाँ, वैसे तो देखो है।